गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो भाई नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली से देहरादून का रूट जो कि बन रहा भाई, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि स्टार्ट होता है आपके अक्षरधाम मंदिर से बिल्कुल भाई, और यहाँ से होके जाएगा सीधा देहरादून जो की होने वाला है केवल 210 किलोमीटर का। पहले जो दिल्ली से देहरादून का रूट था वो करीबन लगा लो 250 से 280 किलोमीटर था, और जिसको आपको कवर करने में 6.5 घंटे लग जाते थे, 6 से 6.5 घंटे, जैसे कि आप मेरठ वगैरह होके जाते थे। तो आप भूल जाओ गाइस, क्योंकि अब आप देहरादून पहुंच सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 घंटे के अंदर, क्योंकि अब बन रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगा। तो आज मैं उसी का सब कुछ दिखाने वाला हूँ, कितना कुछ बना है, क्या बन चुका है, कितना पेंडिंग है। चलो फिर ब्लॉग को शुरू करते फटाफट से, और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलते चलते दिखाएंगे कितना कुछ बना है, क्या नहीं बना। फिलहाल मैं हूँ अभी अक्षरधाम, जैसा कि लेफ्ट में आप देख सकते हो ये अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन है और इसके पीछे अक्षरधाम मंदिर है, और ये सामने आप देख पा रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि पहले मुझे ये लग रहा था कि फ्लाईओवर बन रहा है आपका लगा लो, यहाँ के जाम वगैरह जो आगे जाम लगा ना, मुझे लगा कि इसको कम करने के लिए फ्लाईओवर और बनाया जा रहा है जिससे लोग यहाँ से फटाफट से निकल ले, बट नहीं गाइस मैं गलत था। आप ये देखो, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपके लेफ्ट साइड में, ठीक है, आके मेरे भी लेफ्ट साइड में, तो ये बन रहा गाइस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पार्ट है, और यह है ब्राउन फील्ड। इनको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड और ग्रीन फील्ड, ठीक है, 2 ग्रीन फील्ड होंगे और 1 ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड गाइज आपका होने वाला है अक्षरधाम मंदिर से खेकड़ा बागपत तक, जो कि होने वाला 32 किलोमीटर का। तो इसका पार्ट बन रहा है आप जैसा कि देख सकते हो, और ये 12 लेन रहेगा गाइज, और इस पे लिमिट होने वाली है 100 की। तो लेफ्ट में गाइज ये यहाँ का फ्लाईओवर बन रहा है, और गीता कॉलोनी से आपका खजूरी खास तक एलिवेटेड पार्ट होने वाला है, पार्ट एलिवेटेड रहेगा, कुछ जमीन पे रहेगा। तो आप ये लेफ्ट में देख सकते हो कि फ्लाईओवर का निर्माण लगभग डन हो चुका है, और ये सीधा रास्ता गाइस गीता कॉलोनी होते हुए खजूरी खास तक जा रहा है। तो आज मैं आपको खजूरी खास तक लेके चलने वाला हूँ। सामने आप बोर्ड देख सकते हो गाइस, गीता कॉलोनी सीधा। तो गाइज ये देख रहे हो राइट साइड में जो फ्लाईओवर है, ये भी उसी का पार्ट है गाइज। तो यहाँ से देखो एलिवेटेड हो, थोड़ा सा फ्लाईओवर वगैरह हो रखा, लिखा हुआ ना करकरी मोड़ प्रीत विहार, ठीक है। ये भी देखो अभी लगभग ये फ्लाईओवर बन के तैयार है, ये लगा लो यार जनवरी में बन जाना था, बट अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो आई थिंक देखो 2 से 4 महीने में आई थिंक कोई ना कोई फेज तो ओपन हो ही जाएगा। 3 फेज में है गाइस, जो कि पहला फेज आपका हो रहा है अक्षरधाम टेम्पल से आपका खेरका बागपत तक, फिर बागपत से आपका सहारनपुर वाला जो इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और फिर वहां से सीधा देहरादून। तो सहारनपुर वाला आपको ऑलमोस्ट पता ही है कितना अच्छा बना हुआ है, उसमें और लेन ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 12 लेन 6 लेन ऐसे होने वाला है, ठीक है। तो 6 लेन उधर वाला रहेगा आपका सहारनपुर का, और बाकी इधर का आपका 12 लेन होने वाला है। तो काफी सही बना हुआ है, ये देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट काम यहाँ पे डन है, और मैं इसके साइड में चल रहा हूँ, राइट साइड में यही है एक्सप्रेसवे का पार्ट है, और आगे से फिर इसमें कनेक्ट किया गया फिर से। तो चलो आगे और देखते हैं कहाँ तक क्या कंस्ट्रक्शन डन हुआ है। अब गाइज हम यहाँ से टर्न लेके इस पे चढ़ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ भी कुछ पार्ट यार ऑलमोस्ट मुझे डन लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे का क्या सीन है। मतलब लगा लो 6-12 लेन मैं ऐसे कर रहा हूँ, 6 लेन देखो ये ऊपर का हो गया, और 6 लेन का आपका सर्विस, ठीक है, सर्विस लेन भी 6 होगा, 3 लेन इधर 3 लेन दूसरे साइड पे, तो कुल टोटली 12 लेन होने वाला है यहाँ से आपका अक्षरधाम टेम्पल से खेरका बागपत तक। और अभी आज हम जा रहे हैं खजूरी खास, जो कि वही है पहला जो फेज है 32 किलोमीटर का है, और गाइज लागत की बात करें कुल 13,000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आ रही है 210 किलोमीटर बनाने में। गाइज मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई मैं अक्षरधाम से जब चाहूं वीकेंड में, या लगा लो कभी भी मूड हुआ 2 घंटे में देहरादून घूम घाम के, और 2 घंटे में आने में, मतलब 4 घंटे में देहरादून घूम के टच करके तुम्हारा भाई वापस आ सकता है। तो काफी सही चीज है भाई, और मजा आ रहा ऑब्वियसली। और ये देखो पूरी कनेक्टिविटी ऐसे ऐसे हो रखी है, आगे चल के देखते हैं ये खजूरी खास तक कैसे जाने वाला है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। अब ये देखो एलिवेटेड पार्ट आपको दिख रहा होगा गाइज राइट साइड में,
ये भी उसी का पार्ट है। अभी हम सीधा सीधा निकलेंगे और ये एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है जो ऊपर है, और ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे बस चलते रहेंगे। तो देखते हैं साइड बाय साइड कहाँ तक क्या कंस्ट्रक्शन डन है। ये देखो सामने भी डाइवर्जन वगैरह इसी का पार्ट है, ये आप देख सकते हो। ठीक, अभी यहाँ से मैं लेफ्ट निकलूंगा, देख लो आप, यहाँ भी वर्क लगभग प्रोग्रेस मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बहुत ही जल्द ये खुल भी जाएगा पब्लिक के लिए। बाकी ये देख लो सामने किस तरह से बना हुआ है, और बस अब धीरे धीरे यहाँ से हम निकलते हैं। और ये रहा अब राइट साइड में एक्सप्रेसवे, ये है एक्सप्रेसवे का पार्ट गाइस जो राइट साइड में है एलिवेटेड यहाँ से। और अब ये शायद गीता कॉलोनी से एलिवेटेड ही रहेगा पूरा आगे तक, लेट्स सी कहाँ तक है। अभी मैं भी नहीं आया हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस रूट पे, मतलब ये एक्सप्रेसवे वाले पे। अभी हम आ चुके हैं एक्सप्रेसवे के जस्ट नीचे। यार क्या बात है भाई, बहुत सही बना हुआ है, ये देख रहे हो ऊपर एलिवेटेड, भाई अलग ही है यार, नाइस। तो इस तरह से कुछ काम किया जा रहा है यहाँ पे, और होपफुली ये बहुत ही जल्द तैयार हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन तो अभी काफ़ी हद तक पेंडिंग है, बट ये नीचे की लेन वगैरह अच्छी हो गई है, काफ़ी पहले ये ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ मतलब बिल्कुल ना गड्ढे गुड्ढे। और ये देखो अभी हम प्रॉपर तरीके से इसके एक्सप्रेसवे के नीचे है गाइस, देख सकते हो आप, ये जस्ट हमारे ऊपर है, द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है यार मेरे मूड अभी वहां भी आया था ना बना के ब्लॉग। तो ये है गाइस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और अगर आप दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच जाते तो 1 घंटे और ऐड कर लो मसूरी, तो 3 घंटे में आप मसूरी पहुंच रहे हो भाई, ऋषिकेश वगैरह जाना ही नहीं है, 3 घंटे में मसूरी। और ये देखो गाइस सामने से सीधा से ये राइट को निकल जाता है आपका एलिवेटेड पार्ट, दिख रहा है आपको राइट राइट होते हुए यहाँ से ऊपर ऊपर से ये निकलेगा, ये जस्ट मेरे ऊपर से क्रॉस कर रहा ना, ये है गाइस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। सो गाइस ये है पूरा एलिवेटेड पार्ट, और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है, और यहाँ से हम धीरे धीरे गाड़ी को निकालेंगे। किधर से जाएगा, बंद कर दिया है क्या, यहाँ से जाएगा भाई, आगे से तो नहीं है रास्ता, पूरा बंद कर रखा भाई। सामने देख सकते हो गाइस फिर से आ चुका है वही एलिवेटेड पार्ट, अंदर से यार जाम था तो उस रास्ते में ले नहीं गया, गांधीनगर वाला रास्ता था, मैंने कहा थोड़ा सा कट लेके भाई सीधा सीधा रास्ता से ले चलते हैं, क्योंकि देख लो यार गूगल बाबा तो वहीं से घुमा रहे थे, अब गूगल बाबा वही है ना, ये पतली गली वली इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये कहीं से घुमा देते हैं, तो मुझे तो ऐसी जगह जाना नहीं। बाकी ये देखो आ गया एलिवेटेड पार्ट, ये बिल्कुल ऊपर से जो क्रॉस हो रहा ना वही है भाई। अब यहाँ ये गांधीनगर वाला एरिया गाइस, यहाँ भी एलिवेटेड है और ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन डन है, ऑलमोस्ट यस। चलो अब यहाँ से हम ले लेंगे राइट टर्न, ठीक है, ये लेफ्ट पूरा गांधीनगर मार्केट, और यहाँ से हम राइट टर्न जाएंगे। चलो भाई ये सामने देख सकते हो ये पूरा पार्ट है गाइस एलिवेटेड पार्ट, अभी यार कंस्ट्रक्शन तो काफी बाकी है, बीच बीच में जो जॉइंट का काम होता ना वो पेंडिंग रह रहा भाई, काफी हद तक मतलब वर्क डन भी है बट अभी है पेंडिंग है भाई। तो ये है गाइस देख लो, फिर सीधा सीधा ये यहाँ से एलिवेटेड पार्ट निकल रहा है, अब लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है, और आगे पूरा रेड रेड हो रखा है, हम भी चल के देखते हैं क्या सीन है आगे का। सो गाइस बात करें जो फेज 1 है, ये अक्षरधाम मंदिर से खेरका बागपत तक का होने वाला है, जो कि 12 लेन का होगा, टोटल 32 किलोमीटर का होगा ब्राउन फील्ड, जैसा कि टोटल ये होने वाला है 210 किलोमीटर का, पहले 250 से 280 किलोमीटर था जिसको ट्रेवल करने में 6-6.5 घंटे का टाइम लगता था, और अभी आपका 2-2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे दिल्ली से देहरादून। तो सहारनपुर से जो आपका ये राजा जी नेशनल पार्क होते हुए जा रहा है बिल्कुल देहरादून तक, ठीक है, वो भी 118 किलोमीटर का है लगभग स्ट्रेच, 6 लेन का होने वाला है, में काफी सारे ट्यूब टनल भी हैं, और आगे अभी देखते हैं, अभी तो यार कंस्ट्रक्शन काफी हद तक पेंडिंग है। इधर भी काम चल ही रहा गाइस, ये देख सकते हो क्रेन वगैरह लगा के कुछ तो काम हो रहा, बाकी ख्याल से 2024 में बन जाए तो सही है, बट उम्मीद यार कम लग रहा मुझे तो, जबकि होना था इसको 2024 मार्च में ही कंप्लीट होना था, बट टाइम तो काफी लग गया।
आगे देखते हैं। हाँ यार यहाँ तो अभी चल ही रहा काम, बट यार देखो लंबा चौड़ा काम भी तो है, प्रोजेक्ट भी तो हल्का नहीं है यार। इसमें ज़्यादातर पार्ट एलिवेटेड है और एलिवेटेड पार्ट बनाने में यार आपको भी पता है नीचे का ट्रैफिक वगैरह सब कुछ कंट्रोल करते हुए सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाया जाता है। और ऑलमोस्ट काम इसमें नाइट टाइम में ही होता है, डे टाइम में यार कैसे कर पाएंगे, नीचे ट्रैफिक चल ही रहा है, ठीक है रोड चल रहा है कंटिन्यूस, तो लोहा लक्कड़ का काम भी है भाई, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ये सारी चीज़ें। ये है गाइस पूरा आपका एलिवेटेड पार्ट, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बना है। और अब हम यहाँ से लगा लेते हैं मैप अक्षरधाम का, क्योंकि हम आ चुके हैं खेरका तक, नहीं खेरका कह रहा हूँ, खजूरी खास यही है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मेट्रो, फिर उसके ऊपर एक ये पिलर, काफी हाइट पे है भाई। और गाइस बता दूं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत जस्ट यही लेफ्ट से होता है, ये लेफ्ट दिख रहा ना, ये देखो जहाँ पे ये बैरिकेटिंग वगैरह लगाना, जहाँ पे ये काम का थोड़ा सा, यही से जस्ट शुरू होगा, तो मतलब लगा लो आप टर्न पेरिफेरल से यही से जस्ट कनेक्ट हो रहा है, ये दिख रहा ना आपको, बस यही से कनेक्ट हुआ और ये सीधा अक्षरधाम, ये रहा ना आपका लेफ्ट में, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अक्षरधाम से जस्ट ये चलेगा और सीधा आपको पहुंचा देगा देहरादून तक, ये देखो आप, तो इसको इसीलिए यहाँ पे पूरा चौड़ा कर दिया गया है और आगे इसी से यहाँ से एक फ्लाईओवर कनेक्ट करके इसको वहां पे कनेक्ट किया जा रहा है। तो गाइज यही से शुरुआत हो रही है, आप देख सकते हो गाइज कुछ इस तरह से था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन, जो कि मैं आया आज खजूरी खास तक। भाई अभी भी काम बहुत बाकी है और हाँ ठीक है, बट बन रहा है, एक प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार हो रहा है, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, बट हाँ जब बन के तैयार हो जाएगा ना तो मजा भी बहुत आने वाला भाई। दिल्ली से देहरादून जाना बहुत आसान हो जाएगा सिर्फ 2 से 2.5 घंटे। ये भाई सीधा अक्षरधाम मंदिर से होके निकल रहा है और कुछ पार्ट एलिवेटेड है, कुछ जमीन पे है, इस तरह से करते हुए ये फिर पूरा आपका खजूरी खास होते हुए बागपत, फिर सहारनपुर वाले एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा और आगे गणेशपुर होते हुए सीधा देहरादून। बढ़िया भाई, बहुत अच्छा सोच है और इस हिसाब से हम आप देहरादून काफी कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि 6-6 घंटे लग जाते थे यार, दैट इज नॉट गुड, बहुत टाइम लगता है। सो गाइज आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो क्या करना, लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और बस कमेंट जरूर कर देना यार, और तैयार हो जाओ दिल्ली से देहरादून जाने के लिए, बाय बाय।